ये देखो, वो देखो, नहीं 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 ओए ठहर, वो देखो जी बच्चा जो है सेंटिनेली सारे उठ गए। जैसे ही केज का मैं दरवाजा खोलता हूँ तो इन्हें पता है, मैं जूम करता हूँ, वो देखो मेरे को 7-8 तो यहीं दिख रहे हैं, और भी ज्यादा है, ये काफी ज्यादा है, तो इसको बंद ही करना पड़ता है। जैसे मेरे अलावा कोई भी आता है तो ये जी अटैक कर देता है। लो जी देखा, इस डंडे की पावर इसको सिर्फ जमीन पे मारने से ये पहुंच जाती है, अदरवाइज ये जो है बड़ा भगाती है। दोस्तों अभी अभी मैंने कुछ देर पहले भी देखा था, ये चील जो है यहाँ पर मंडरा रही थी और अब देखो उस तरफ को चली गई। एक नहीं ये काफी चीले हैं। तो हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप लोगों का शौक भी अच्छा चल रहा होगा। और देखो जी अभी चील फिर दोबारा से आई, क्योंकि वहाँ कबूतर भी उड़ रहे हैं, आप वहाँ सामने देखेंगे, वो देखो जी ये देखो बिल्कुल नज़दीक से निकली है। हाँ अभी अभी बिल्कुल यहाँ पे चक्कर लगा रही है और कुछ वहाँ पे कबूतर उड़ रहे हैं, वो देख सकते हैं आप, कबूतर जो है किसी ने छोड़ रखे हैं अपनी छत से, और वो उड़ने वाले जो बाजी वाले कबूतर होते हैं वो देख सकते हैं आप, ये देखो जी ये देखो जी। तो ये मेरे ख्याल से अभी मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, शायद पिछली तरफ किसी ने पाल रखे होंगे और काफ़ी सारे कबूतर उड़ रहे हैं। तो हाँ जी फ्रेंड्स, स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में जी, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का शौक अच्छा चल रहा होगा। तो शाम का वक्त है जी, अभी आया था मैं छत पर और हवा चल रही है थोड़ी बहुत, और आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा गर्म था। तो अभी देख सकते हैं आप, हमारी छोटी साना खाना खा रही है जी, तो इनको दिया जी आज चावल है, साथ में दूसरी मिक्स दाल थी जी, तो दोनों को मिक्स कर लिया बढ़िया से, और देख सकते हैं बढ़िया शौक से खाते हैं हमारे जो है मुर्गे। बाकी ब्लैक ब्यूटी भी बाहर आने के लिए एक्साइटेड हो रही है, तो अभी नहीं क्यों खोलने का टाइम है, इनको और कबूतरों को खोलूंगा जी, साथ साथ चूज़े भी खोल दूंगा, क्योंकि मोरनी असील मुर्गे के साथ और इनके साथ इनको नहीं छोड़ता हूँ मैं, क्योंकि ये मारते हैं। हाँ थोड़ा ब्लैक ब्यूटी थोड़ा तंग करती है बच्चों को, पर ये खुद ही इतनी सी है जी, तो इतना ज़्यादा इसका डर नहीं है जितना कि हमारी मोरनी का, क्योंकि मोरनी आजकल जो है बच्चों को मारने लगी है। तो इनको दोपहर में जो खाना दे दिया था जी, और अब जो है शाम का वक्त है, तो अब इनको जो है अपना फीड का टाइम हो चुका है। और देखो जी गुटक रहा है, हमारा शहजादा भी गुटकने लगा हुआ है, तो कबूतरी बैठी हुई है और उसमें अपने नेस्ट बॉक्स में, और ये गुटक रहा है जी। काफ़ी देर से मैं देख रहा था इसको, बाहर तक इसकी आवाज़ें आ रही थी बड़ी ज़ोर ज़ोर के, तो इनको भी पता है। देखो जी दूसरा भी गुटकने लग गया है, देखो सेंटिनेट का मेल गुटकते हुए बड़ा ही सुंदर लगता है। तो दोस्तों सारे बर्ड्स हैं, तो थोड़ी कमी खल रही है तो अपने राजा की, और राजा आपको पता ही है जी पिछले कल जो है वो नहीं रहा। तो हाँ जी फ्रेंड्स, मैं गया था अभी नीचे, तो ये लेकर आ चुका हूँ जी इंजेक्शन। ये किस लिए है और ये क्या है, तो ये कुछ देर में बताता हूँ आपको, इसको रखता हूँ यहाँ पे। और उससे पहले जी अभी बाहर जब मैं नीचे गया तो बहुत ज़्यादा कबूतर उड़ रहे हैं, आपको एक बारी बाहर से दिखाता हूँ मैं। आओ जी, मैं यहाँ से देख रहा था काफ़ी ज़्यादा कबूतर उड़ रहे हैं, तो पता नहीं किसने काफ़ी ज़्यादा छोड़े हैं, वो देखो जी मैं जूम करता हूँ, वो देखो मेरे को 7-8 तो यहीं दिख रहे हैं, और भी ज़्यादा है, ये काफ़ी ज़्यादा है, बट ये जो है कुछ उस तरफ और कुछ इस तरफ, तो शायद यहाँ पिछली तरफ किसी का सेटअप है, अच्छे शानदार कबूतर उड़ रहे हैं। और वो देखो जी वो सामने देखो जी ये उड़ रहे हैं। और हाँ दोस्तों, कुछ सुनने में आया था अभी न्यूज़ वगैरह में भी चल रही थी कि कबूतरों को पालना पता नहीं बैन है या कुछ ऐसा उड़ाना या कुछ, क्या ये सच है, आप लोग ज़रूर बताना जी जो भाई मेरे कबूतर पालते हैं। बाकी अब मैं खोलता हूँ जी अपने बाकियों को बर्ड्स को और इनको करता हूँ बंद। चलो भाई, ये मुर्गा बड़ा अग्रेशन दिखा रहा है जी, आज सुबह भी क्या हुआ, पहले रिधिमा पे इसने अटैक किया और अनु आई थी आज, जब पिछले कल राजा की वजह से वो भी देख के थोड़ा इमोशनल हो गई थी, और जब आई तो इसको बंद ही करना पड़ता है। जैसे मेरे अलावा कोई भी आता है तो ये जी अटैक कर देता है, मतलब इसकी कमांड से चलती हैं हमारी मुर्गियाँ। ये देखो जी मैं आवाज़ करूँगा, ये देखो इसके सिर्फ मारने भर से मुर्गियां सारी बाहर आ जाएंगी। चलो ये देखो जी लो जी देखा, इस डंडे की पावर इसको सिर्फ जमीन पे मारने से ये पहुंच जाती है, अदरवाइज ये जो है बड़ा भगाती है। एक ये बात तो समझ आ गई कि इनको बंद करना है तो सिर्फ इस डंडे को जमीन पे इस तरह करने की जरूरत है और सारी मुर्गियां अंदर। चलो जी खोलते हैं अपने ब्लैक ब्यूटी और बोने को, खोलता हूँ सबसे पहले, इसके आने का स्टाइल है देखो जी बड़े एटीट्यूड के साथ आता है। ये देखो पूंछ के जो लंबे वाले पर थे आप देख रहे होंगे, कुछ दिन पहले तक थे वो जो काफ़ी लंबे लंबे और सुनहरे से जो पर आ रहे थे इसके,
अब शायद वो सारे के सारे झड़ चुके हैं, कुछ वहाँ भी देखेंगे आप। तो ये जो है आजकल कबूतर भी और हमारे मुर्गे सभी के पर जो है झड़ रहे हैं, शायद सीजन होगा आजकल। और ब्लैक ब्यूटी भी देख सकते हैं आप, कुछ रंग जो है इनके अब चेंजेस जैसे हो रहे हैं, बड़े सुंदर कलर है, पर जो इसका डबल टोन में है, वाइट भी है इसमें और ब्लैक भी है। चलो जी कबूतरों को भी खोलते हैं साथ साथ, आ जाओ भी, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखते हैं दोस्तों, जो बच्चा जो कल से अंडे में, आपने पिछले व्लॉग में देखा अंडे में जो है बीक नज़र आ रही थी हमारे नए नन्हे मेहमान की, तो अब वो क्या निकल गया या नहीं, तो नेक्स्ट अभी देखते हैं दोस्तों। जरा ये बाहर आ जाएं और देखो अपने नीचे अंदर को कर रही है मुर्गी जो है अंडों को। ओहो ये देखो जी दोनों अंदर घुस गए, ये पता नहीं क्या गड़बड़ करते हैं, और वो गुटक रहा है देखो ये डरते हैं थोड़ा सा, आ जाएगी फीमेल, आ जाएगी खुद ही बाहर, वैसे कुछ कहते नहीं है ये। लो जी कबूतरी तो बाहर आ गई है, चलो ये चलो चलो, ये गुंडागर्दी मचाते हैं, मिट्टी में खेलने के चक्कर में घुस जाते हैं, जबकि इसके नीचे भी काफ़ी मिट्टी है, वहाँ पे भी जाते ही हैं खेलने, पर अब नई नई जगह इन्होंने देख ली है। तो इनको मैं दे देता हूँ जी चावल, तो ये चावल और दाल मिक्स करके मैं लाया था इन्हीं की वजह से, तो इनको मैं दे देता हूँ। वो देखो जी कुट 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 कर रहा है हमारा जो बोना है, और ब्लैक ब्यूटी भी मज़े से खा रही है, और पीछे से चू चू कर रहे हैं। ये देखो ये भी बाहर निकलने के लिए, ये देखो खोल रहा हूँ भाई, खोल रहा हूँ खोल रहा हूँ, आराम से आ जाओ, चलो चल भाई आ जा। कबूतर ये मारी जंप, ये देखो जी, तो इनको सुबह सुबह थोड़े टाइम छोड़ दिया था, उसके बाद अब छोड़ा, तो उनको मैंने फीड भी दी थी, खाने को भी दिया, वैसे कम समय खाते हैं, बहुत थोड़ा खाते हैं जो ये खाना खाते हैं। वो देखो जी बच्चा जो है सेंटिनेंट भी, सारे उठ गए, जैसे केज का मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो इन्हें पता है कि अब बाहर निकलना है, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। यानी कबूतर अभी काफ़ी नीचे उड़ रहे थे और काफ़ी हाइट पे पहुँच गए, वो देखो जी राउंड मारते 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 ये अब ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गए हैं जो कबूतर हैं। तो अच्छा माहौल बना हुआ है जी इधर हमारे, ये भी अपना इधर ही फड़फड़ा रहे हैं, चल भाई आ जा, ये डरता बहुत है जी। वाह आ गया जी, अब तो पर आ गए थोड़ा, पहले तो ये बीच में नीचे आने से थोड़ा डरता क्योंकि पर कट है। चलो भाई तुम भी आ जाओ, चलो 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 चल आ जा, ये भी नहीं आ रहा, चल तू आ जा, चल चल चलो। इनके शुरू से यही दिक्कत है कि ये खुद बाहर कम ही आते हैं अपनी मर्जी से। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, चल 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 भाई। मेल को भी बाहर निकालो, तो इसके भी अब काफ़ी है, देखो जी कट के रखे थे सारे पर अब नए आ गए हैं देखो जी। चलो जी बच्चा भी, बाप बेटे दोनों बाहर आ गए हैं। इधर असील मुर्गी के बच्चे भी, असील को हमने अंदर ही दे दिया था खाना, वो भी खा चुके हैं, इनको तो खिला पिला के अब पानी पी रहे हैं, वो देख सकते हैं जी पानी इनका चेंज कर दिया था। इनको भी खोलो जी, अपने नन्हे मुन्नों को भी, ये भी बाहर आने के चक्कर में रहते हैं, चलो शाम के वक्त थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। उड़ते बहुत हैं जी ये भी, उड़ने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हैं ये बच्चे। आई थिंक ये मुर्गा मुर्गा ही होगा ये देखो, वो देखो, नहीं 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 ओए ठहर तू ठहर जा हैं। वैसे तो कुछ नहीं करता, उड़ के आया बच्चा, तो ये अग्रेशन दिखा रहा, ये भी बड़ा वैसा है जी, लड़ने में माहिर है। खैर अभी तक बच्चों को कुछ नहीं कह रहा था जबकि साथ साथ थे, शाम के वक्त छोड़ देता हूँ इनको, इनके साथ अपना बढ़िया टाइम मेरा स्पेंड हो जाता है जी। ये बड़ी ईमानदारी से बैठी रहती है जी, मेल तो बड़ा कम सम ही मैंने देखा कि वो बैठा होता है, अदरवाइज जो है ज़्यादातर जब भी देखा मैंने तो फीमेल ही अंडों पर बैठी रहती है। तो दोस्तों अभी तक भी नहीं निकला इसमें से बच्चा जी, क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे। जबकि ओ दोस्तों ये वही है कि दूसरा है, दूसरे अंडे में भी क्रैक आ गया है जी। ये देखो जी ये दूसरा अंडा है, क्योंकि वो तो ज़्यादा टूटा हुआ था, मैंने कल ही देखा था, उससे तो बीक नज़र आ रही थी, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं। ये दूसरे वाले में भी क्रैक आ गया है, पर वो बच्चा अभी तक बाहर नहीं आया जी। और दोस्तों ये पता नहीं बच्चा, ओहो ओ दोस्तों मेरे को लग रहा है बच्चा इसी में मर गया शायद। ओ यार ये हो क्या रहा है पता नहीं, और वही सोचूं मैं कल से लेकर चोंच इसकी निकली हुई थी, परसों से कि पता नहीं कल से, और बच्चा जो है जी इसी में शायद अंडे में ही मर चुका है। एक बार मैं इसको खोल के देखता हूँ, निकाल के ही देखता हूँ जी।
बच्चा भी पूरा बन गया निकलने के टाइम पे, पता नहीं कैसे क्या हो गया ये। दोस्तों मेरे ख्याल से बच्चा पूरी तरह से बन भी गया था, ये पता नहीं क्या चक्कर हुआ है। देखो जी, ओ शायद बच्चे का जो है अंदर का इंटेस्टाइन होता है वो तो बाहर ही लग रहा है, पता नहीं। अब आप लोग बताना जी, आई थिंक ये बच्चा कुछ नुक्स था बच्चे में देखो, क्योंकि बीक इसकी कब से बाहर आ गई थी, बच्चा भी पूरा ठीक ठाक था, पर शायद पेट की पास से मेरे को लग रहा है कि प्रीमेच्योर बना या कुछ ऐसा कुछ, या जल्दी बच्चा बाहर आ गया। ये देखो जी, तो ये एक बड़ा नुकसान और हो गया दोस्तों, क्या करें, समझ से परे होगी बातचीत। ये देखो जी, सेंटिनेट के साथ भी हमारे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जी। सबसे पहले तो ये इससे पहले वाले दोनों अंडे खराब हो गए थे, ये बच्चा निकला सेकंड टाइम में, वो भी एक इसके साथ का खराब, इसके बाद दोबारा दो अंडे दिए वो भी खराब हो गए जी, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में। उसके फिर बाद जी ये वाले दो अंडे दिए, पता नहीं इन बच्चों के, इन वाले कबूतरों के साथ बड़ा मतलब कुछ दिक्कत ऐसी आ रही जी हमारे ये वाले। मैं चाहता हूँ कि ये ब्रीड हमारी पास सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि देखने में सुंदर है और इतने प्यारे कबूतर कौन नहीं चाहेगा जी कि हमारे पास हो, क्योंकि कबूतर का शौक रखा है जी, तो फैंसियों का मुझे शौक है। तो एक रंग के और इतने सुंदर कबूतर मैं चाहता हूँ कि नस्ल बने और हमारे पास ढेर सारे ऐसे कबूतर हो, पर क्या करें दोस्तों, जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो पर इनकी जो ब्रीडिंग है मतलब जो है बच्चे निकलने का रेशो बड़ा ही कम हो रखा है, देख सकते हैं आप, तो ये मार रहा है इसको। तो दोस्तों ये एक और बैड न्यूज़ मिली है जी। दोस्तों ये था जी आज का हमारा ब्लॉग, मैंने चलो आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आपके सामने इसीलिए मैंने अंडे को खोला, मतलब जो भी होता है क्या बच्चा, मैं बड़ा खुश था कि एक बच्चा तो निकल चुका होगा, पर नहीं जी। तो दोस्तों ये था जी हमारा आज का ब्लॉग, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का शौक, आप सभी का बर्ड्स अच्छे होंगे कि फैमिली के लिए, और आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी ब्लेस्ड रहें, ब्लेस्ड हों, आपकी हर इच्छाएं फुलफिल हों। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों एक न्यू व्लॉग के साथ जी, तब तक के लिए बाय।